है, गूंज रहा दुनिया में हिंदुस्तान का नारा है, चमक रहा आसमां में ये तिरंगा हमारा है, ये तिरंगा हमारा है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है, इसलिए मेरा भारत महान है। आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण व मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं, आज उस राष्ट्र के लोगों के दिलों में बसता है। भारत एक ऐसा देश है जिसने विभिन्न संस्कृति, भाषाओं, धर्मों, लोगों व उसके रिवाजों को स्वीकार किया है। इस नाटक में हम भारत को विदेशी लोगों के दृष्टिकोण से देखेंगे। सबसे पहले कक्षा का दृश्य। सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात बच्चों, बैठिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने हमारा अंतिम पाठ समाप्त कर लिया है, मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना कार्य कर लिया होगा। तो चलो अब हम अपने नए पाठ की ओर बढ़ते हैं। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। मैम, प्राचार्य महोदय ने मुझे महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए भेजा है। धन्यवाद मैम। बच्चों कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। हमारे विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्र विनिमय का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत हमने 2 विदेशी छात्र को हमारे विद्यालय में आमंत्रित किया है। तो इसमें हमें क्या करना होगा अध्यापिका जी? हम उन्हें उन चीजों के बारे में बताएंगे जो भारत को दूसरे देशों से अलग बनाती है। लेकिन अध्यापिका जी, हम तो देसी बालक गामा के हैं। हाँ, यही तो बात है, हमें उन्हें हमारी देसी संस्कृति के ही दर्शन कराने हैं। ठीक है, तब कल मिलते हैं हमारे नए विचारों के साथ। धन्यवाद अध्यापिका जी। विदेशी लोग भारतीय विद्यालय पहुँचते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ खुशी। और मैं हूँ आप सभी का प्रिय पोपटलाल। आप सभी का भारत में स्वागत है। वाह, क्या स्वागत किया है आपने, हमें बहुत खुशी हुई। कुछ इस तरह हम हमारे मेहमानों का भारत में स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भारतीय लोग अतिथि देवो भव वाली विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जिसके अंदर हमारे मेहमान यानी कि आप लोग हमारे भगवान समान हैं। क्या आज आप हमारे घर ठहर सकते हैं? नहीं नहीं, हमने होटल बुक कर ली है। जी, आज आप हमारे देश पधारे हैं ही, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर जरूर रुकें। नहीं नहीं, हमने होटल बुक कर ली है, वरना तो हम जरूर आते, पर आपका आभार हमें बुलाने के लिए। जी। अगले दिन विदेशी लोग एक मिलते हैं। और भाई साहब, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। और होटल वगैरह सब समय से मिल गया था? हाँ हाँ, होटल वगैरह भी सब समय पे मिल गया था। और रात को खाने वाने की व्यवस्था? हाँ हाँ, हमारे खाने
खाने की व्यवस्था भी हो गई थी। हमने आसपास के ढाबे से हमने खाना मंगवा लिया था, और अगर कुछ होता भी है तो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में ही पहली बार कोई दवाई की शोध की थी जो हमारे हर घर में, हर दुकान में, हर जगह उपलब्ध होती है। हम कहीं भी और कभी भी उसे ले सकते हैं। हम आपकी तरह पिछड़े नहीं है। और ये छोटा सा कुछ पत्ता था, वो क्या था? वो तो एक तुलसी का पत्ता था, उसमें कई सारे आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं और वो हमारे आयुर्वेद का जादू है। अरे भाई साहब, आप ये कैसे भूल गए? आपके मॉडर्न साइंस को भी हमारे ही आयुर्वेद का सहारा है। अगर आज आयुर्वेद ना होता तो शायद आपका ये मॉडर्न साइंस भी नहीं होता। अनूप सर, बुरा मत मानिएगा। और आप वह कैसे भूल सकते हैं कि हमारे ही देश के एक महान गणितज्ञ यानी कि आर्यभट्ट ने ही तो शून्य यानी जीरो की खोज की थी। और शकुंतला देवी, जिन्हें हम ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, वे भी तो भारत की ही थी। हाँ, आपकी बात में दम है कि हमारा मॉडर्न साइंस आपके ही आयुर्वेद पर स्थित है। जब कोरोना काल का समय था तब हमारी कोई दवाइयां काम नहीं कर रही थी, पर आपकी ही दवाइयों की वजह से हमारे नागरिकों की जाने बची। उसके लिए आपका आभार। और हमारी सोच छोटी है, आप नहीं। आप सही कह रहे हैं, कोरोना काल के समय हमारे देश भारत ने ही विश्व भर में अपनी वैक्सीन निर्यात की थी, जिससे हमने इस कोविड-19 जैसी महामारी पर विजय प्राप्त की थी। और आज आप हमारे घर आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर खाना जरूर खाएं। जरूर। हाँ जरूर। बैठ जाइए। इन्हें भी डालो। खाना खाने के कुछ समय बाद। यहाँ और क्या क्या है देखने जैसा? कैन वी गो फॉर हैंगआउट? यहाँ पे तो कई सारी जगह है घूमने लायक, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ सुझाव दे तो वह ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, हमने कुछ यहाँ महा करके कोई मंदिर है जहाँ पे मोदी जी भी अभी आए थे, महा करके, वहां हमें ले चलिए। महाकाल मंदिर? हाँ बस वही, हमें वहां ही ले चलिए। आपको मैं बता दूं, महाकाल मंदिर भगवान शिव का प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तृतीय ज्योतिर्लिंग है। कल हम महाकाल मंदिर जरूर चलेंगे। जी जरूर। अगले दिन अस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुराम्बकाय त्रिगात्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय। बच्चों दर्शन करिए। पंडित जी, आपके इस सांस्कृतिक विरासत के बारे में हमें कुछ बताइए। ये हमारे यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध देवों के देव महादेव हैं। सावन मास में इनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है। सावन मास में इनको दूध, बेलीपत्र, धतूरे के फूल और चंपा के फूल अर्पण किए जाते हैं, और इनके उपासक अपने माथे पर त्रिपुर लगाते हैं। पंडित जी, हम भी आपकी संस्कृति को जानने और परखने ही आए हैं। हमें भी त्रिपुर लगा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं।
और खाली जी क्या ये ये, ये आपका मांदे है, ये क्या मशीनों से बना है? नहीं, ये मशीनों से नहीं बना है। पुराने जमाने में हमारे भारत के लोगों ने इसे अपने हाथों से तराश कर बनाया है। वाह वाह पंडित जी, आपकी इस सांस्कृतिक विरासत को देखकर हम भी धन्य है और इनके दर्शन करके हम प्रफुल्लित है। आपका आभार। तो बोलिए जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप भी बोलिए जय श्री महाकाल। अब विदेशी लोग अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। किसको? ओफो, ये बैग पैक करना कितना मुश्किल काम है। अरे यार, पहले तुमने इतने रैपर्स जो अंदर भरे हुए हैं, तो कैसे बैग पैक होगा? पहले रैपर्स निकालो और बाद में बैग पैक करो। नहीं नहीं, यहाँ वह कचरा मत कीजिए। क्यों? अरे भाई साहब, कौन है आप? हैं? यहाँ कचरा क्यों फैला रहे हैं? आपको पता नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है हमें स्वच्छ भारत बनाना है, तो कोई भी इधर उधर कचरा ना फैलाए। वैसे आप सकल और सूरज से भारत के तो नहीं लगते हैं, जरूर विदेशी होंगे। वैसे आप विदेशी हैं इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। दीजिए अपना कचरा। अभी बार हम ध्यान रखेंगे। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। और भाई साहब, वाह, हमने सुना है कि आप कुछ ज्यादा ही सुबह केसरी कर रहे हैं। बहुत बहुत कचरा फैलाते हैं आप, हमसे तो ज्यादा ही। यहाँ देखो, हर हर तरफ आपने सुबह केसरी करके रखा है। काम सुबह केसरी किया के लिए रिवेंज, अगली बार ध्यान रखना। चलिए एक्सेल फैला लेता है। आप भी क्या याद रखेंगे? बोला सुबह केसरी, सुबह केसरी। ये सिर्फ हास्य कलाकृति है, कृपया इसे ज्यादा सीरियसली ना लें। सुबह केसरी। अब विदेशी लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। हेलो हेलो, मिस्टर पोपटलाल, मिस्टर रोलेक्स बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं मिस्टर रोलेक्स बात कर रहा हूँ। मिस्टर पोपटलाल, हम हमारे देश पहुंच चुके हैं। अरे वाह, आप अपने देश पहुंच चुके, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, आपने किस कारण मुझे कॉल किया? हम आपके देश आए, आपकी संस्कृति को जाना पहचाना, अब हमारी बारी है। हमारा एक प्रस्ताव है, आप हमारे देश आइए, हमारी संस्कृति को परखिए और देखिए। जल्दी से जल्दी आइए। जी नहीं, मैं अभी निकलता हूँ। विदेशी विद्यार्थी भारतीय छात्रों को अपने देश बुलाते हैं। हेलो मिस्टर रोलेक्स। हाँ हाँ मिस्टर पोपटलाल, बोलिए। मिस्टर रोलेक्स, मैं वॉशिंगटन एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। हाँ, मैं अभी के अभी आपको लेने आता हूँ। मिस्टर रोलेक्स, पोपटलाल। अब विदेशी विद्यार्थी भारतीय विद्यार्थियों के साथ एक कॉन्सर्ट में जाने की तैयारी करते हैं। देखा दोस्तों आपने, किस तरह एक भारतीय मूल का परिवार विदेशियों का किस तरह स्वागत करते और गुण से गुल मिलकर अपनी संस्कृति का उन विदेशियों को बोध कराते हैं। ठीक उसी प्रकार विदेशी लोग भी भारतीयों को अपने देश बुलाकर उनके साथ नाश्ते खाते तथा वसुदेवा कुटुंबकम की भावना को बढ़ाते हैं। तो सभी मिलके बोलो, वसुदेवा वसुदेवा वसुदेवा। जय हिंद।